हेलो गाइस, नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आगे आपको हम आज ब्लॉग वीडियो में दिखाने वाले हैं कि हम कहां जा रहे हैं। दोस्तों, आप सब हमारे ब्लॉग वीडियो में आगे तक बने रहे, दिखाएंगे हम कहां कहां जा रहे हैं दोस्तों, इसलिए आप लोग हमारे ब्लॉग वीडियो में बने रहें। अभी हम दो नदी पार, हमें पार करना है, वो भी लेंस से चलना है दोस्तों। आगे दिखाएंगे कि हम लंच किसे कहते हैं, लेकिन आपने अपने जगह तक पहुंचने में रास्ता इतना ख़राब है कि क्या बताएं, बहुत ज़्यादा ही परेशानी हुआ है दोस्तों, लेकिन तब भी हार नहीं मानेंगे। दिखाएंगे आपको आगे सभी नज़ारा, आपको भी देखकर बहुत अच्छा लगेगा। बस दोस्तों, आप अपने दोस्तों को ज़रूरत है कि आप सबको सपोर्ट, अगर आप सबका सपोर्ट मिलता रहा तो दोस्तों आगे बहुत कुछ होने वाला है। बस थोड़ी धैर्य बनाकर रखने की ज़रूरत है, बस वही करना है। आज हमारे घर में एक नन्हे प्यारा क्यूट सा जिगर का टुकड़ा आने वाला है, वह भी लास्ट में दिखाएंगे। बस आप सब को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले मिले। आप सबको हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है और यह वीडियो ज़रूर देखें और लाइक करने की आशा लेकर हम यह वीडियो, ब्लॉग वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। बस सपोर्ट करें, आगे ब्लॉग में बने रहें। घर से निकलने के बाद हम पहुंचे शहर बनी रामविलास पासवान जी के घर के पास। अब थोड़े आगे बढ़कर हम चलते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों कितना जाम लगा हुआ है। यही है अपने बिहार का नज़ारा, आप सब देख रहे होंगे, भली बात देख रहे होंगे। बड़ा प्रॉब्लम होता है दोस्तों जब यहाँ बिहार में ऐसे जाम लग जाता है, वो भी टूटे फूटे रोड में। दोस्तों, रोड इतना ख़राब है कि क्या बताएं दोस्तों, बहुत प्रॉब्लम हुआ है वहाँ जाने में। अब थोड़ा बहुत बीच में ये रोड बना हुआ है दोस्तों। आप सब हमारे आगे ब्लॉग वीडियो में बने रहे, दिखाते हैं हम सब आपको कि दोस्तों अभी कैसे कैसे क्या करना है दोस्तों। बस बने रहें दोस्तों, आगे बने रहे ब्लॉक में, दिखाते हैं। ये देखिए नहते गाड़ी उड़ा रहे हैं। ये आगर घाट हम लोग पहुंचने वाले हैं। और आगे दोस्तों, आगे ब्लॉक वीडियो में ये जो पुल दिखाई पड़ रहा है, इस पुल से नहीं होके ये अगले पुल से जाएंगे दोस्तों। आप सब बने रहे हमारे ब्लॉग वीडियो में। ये देखिए हम अब पुल पे चढ़ चुके हैं और पुल पे अब गाड़ी चलना हमारा चालू हो गया है और आप सब देखते रहें। ये अब हम आगे अभी बस दो मिनट में ये पुल पार करने वाले होंगे और पार करने के बाद दिखाते हैं आपको ब्लॉग वीडियो में दोस्त। अरे यार, दस गो और दे दो ना, क्या दस भी पाँच भी नहीं है, घूर बने का बाहर चला निकल जाए तो ना बात करें। हाँ, तोरा बात बीस रुपया देंगे, की देंगे क्या यार, तुम लोग बीस रुपया देंगे, आने का रही तीन रुपया देंगे, आने का आज दो, आने का आज दो, करीब तीस रुपया करो, बारह बजे आने आए एक बार करो अब सब ही देख रहे होंगे दोस्तों कि लड़ाई हो गया था वहाँ पुल पे पार करने के बाद। वो हमसे मांग रहा था 30-30 रुपया एक गाड़ी का और हम सब कह रहे थे 10-10 रुपया, तब फाइनली 20-20 रुपया लिया है दोस्तों सिर्फ पार करने के लिए। और बताइए, पता नहीं रोड नहीं रहने के बावजूद ऐसे से होता है दोस्तों, और पता नहीं लोग अपने जीवन यापन के लिए करना भी पड़ता है दोस्तों। बस आगे बस बहुत लड़ाई हो गया था दोस्तों, क्या कहें, बस बहुत प्रॉब्लम के बाद वहां से छुटकारा मिला तो फिर हम आगे चलते हैं और यह दिखाते हैं। यही लेंच है दोस्तों जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। अब यहाँ से हम इस लेंच को पकड़ेंगे और लेंच को पकड़ने के बाद उस पार होंगे, उस पार होने के बाद चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि दोस्तों कि हम आगे अभी कहां जा रहे हैं। पहले लेंच पकड़ते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आप सबको, बने रहें हमारे ब्लॉग वीडियो में, दिखाते हैं दोस्तों। अभी गाड़ी भी चढ़ाना है लेंच पे
रिश्तेदारी चढ़ाते फिर आपसे बात करते हैं दोस्तों। आप सब बने रहे हमारे ब्लॉग वीडियो में, बस थोड़ी सी आगे और जाना है, उसके बाद लंच पे हम सब चढ़ेंगे। आप सब हम बने रहें, बस आ गया दोस्तों। ये देखिए गाड़ी लंच पे चढ़ा लिए हैं दोस्तों, और ये सब पब्लिक इकट्ठा हुआ है दोस्तों। ये सब पब्लिक भी उस पर जाएंगे दोस्तों। आप सब हमारे ब्लॉग वीडियो वगैरह देखिए दोस्तों, क्या नज़ारा होता है उस सीन का, आप सब देख रहे होंगे। अभी थोड़ी ही देर में हमारा ये लंच चालू हो चुका है, अब ये अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा है दोस्तों। आप सब ब्लॉग वीडियो में आगे बने रहें, दिखाते हैं आगे दोस्तों। यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया था, जो कि अब अपने गंतव्य की तरफ आगे लंच बढ़ रहा है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, एक छोटा सा टीला आ गया जहाँ सूखा है, और ये देखिए बीस धार में आदमी कैसे खड़ा है दोस्तों। आप सबको देखकर आश्चर्य लग रहा होगा कि बीस धार में इतना पानी होने के बावजूद भी वो खड़ा है। हमारा भी गाड़ी वैसे ही अटक गया था दोस्तों, इसलिए वहाँ से निकाल के अब हम सब लेंस को करते हैं विदा और उतरते हैं, और दिखाते हैं आपको आगे ब्लॉग वीडियो में। आप सब जैसे देख रहे होंगे दोस्तों, हमारे गांव का नज़ारा ऐसा होता है, आप सब देख रहे होंगे कि बड़ा कष्ट करना पड़ता है दोस्तों। उस पार से इस पार आता है, देखिए गाड़ी को कैसे उतारना होता है, उतार कर फिर उनसे बात करना, सब चीज़ पता नहीं दोस्तों, बड़ा कष्ट भरी ज़िंदगी होती है दोस्तों। जैसे कि आप सब देख रहे होंगे कि अब हम यहां से अपना गाड़ी उतारेंगे, और धीरे धीरे उसके बाद आगे चलेंगे, और आप सबको दिखाएंगे कि अब बस बहुत कम दूरी बचा है दोस्तों। लेकिन पता नहीं, ये ब्लॉग वीडियो भी थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए शायद इस वीडियो में हम उसको कवर नहीं कर पाएंगे, उसको अगले वीडियो में दिखाएंगे। आप सब हमारे को ऐसे ही प्यार भरा सपोर्ट करते रहें दोस्तों, आप सबका सपोर्ट ही हमारे को मोटिवेट करता है। आप सब ऐसे ही प्यार और दुलार बनाए रखें दोस्तों। आप सब का सपोर्ट देखकर हमें कुछ और मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, और वीडियो बनाने का और कुछ उत्साह जागता है। बस आप सब हमारे ब्लॉग वीडियो को ऐसे ही सपोर्ट करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू। अभी हमारी पत्नी हॉस्पिटल में है दोस्तों, और अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, दिखाते हैं आपको। ये देखिए, हमारा छोटा सा नन्हा सा राजकुमार आ चुका है, और आप सब हमारे ब्लॉग वीडियो में बने रहे हैं। ये देखिए हमारा छोटा सा लड़का, आज इसका जन्म हुआ है दोस्तों, जब रात में ही जन्म हुआ था, 11:52 पर दोस्तों। और आप सब ये देख रहे होंगे, बस क्या बताएं दोस्तों, बहुत खुश हैं। बस आप सब हमारे ऐसे ही प्यार दुलार बनाए रखते, धन्यवाद।